दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र में चौकी इंचार्ज सीमा बॉर्डर एवं हिंडन एयरफोर्स चौकी इंचार्ज द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी सिटी फॉरेस्ट एरिया में। उसी दौरान एक फरूख नगर की तरफ से संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि बदमाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम, बॉडीगार्ड और रिजवान बताया कि लखुआ का रहने वाला है। उसने बताया कि 24 तारीख को सीमा बॉर्डर एरिया में अपने दो अन्य साथियों के साथ मिल करके ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ट्रक ड्राइवर को चाकू मार करके इसने घायल कर दिया था। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। इसके ऊपर चोरी एवं लूट से संबंधित लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, एक जिंदा कारतूस, एक चला हुआ कारतूस एवं लूट की घटना से संबंधित मोबाइल बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।